नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश में एक तरफ राम वन गमन पथ को परियोजना के जरिए विकसित करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तैयारी है श्री कृष्ण पाथे की, यानी वो स्थान जिन्हें श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के लिए चुना। अब इन्हीं स्थानों का विकास कर इन्हें धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इसके लिए बजट के साथ साथ विकास की पूरी प्लानिंग भी कर ली है। हमारा मध्य प्रदेश कई मायनों में अनूठा है। यहाँ की संस्कृति परंपरा हर किसी को अपनी ओर खींच ही लेती है, लेकिन जब बात अनूठे स्थानों की होती है तो इसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। उज्जैन में विराजे हैं बाबा महाकाल, तो ओरछा में चलता है राजा राम का राज्य। दतिया में माई पीताम्बरा रक्षा करती हैं, तो चित्रकूट के घाटों पर डुबकी लगाकर हर कोई खुद को धन्य मान लेता है। ऐसा है हमारा मध्य प्रदेश। त्रेता युग हो या द्वापर युग, भगवान की लीलाओं का साक्षात्कार कर चुकी है यहाँ की पावन धरा। प्रभु श्री राम वनवास के दौरान और माता सीता की खोज में प्रदेश में जिन जगहों पर रहे या जहाँ से होकर निकले, उन जगहों को राम वन गमन पथ कहा गया। तो मध्य प्रदेश में ही कई स्थान ऐसे हैं जिन्हें 64 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं के लिए चुना। इन्हीं स्थानों को विकसित करने की तैयारी कर चुकी है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। इसके लिए श्री कृष्ण पाथे योजना भी बनाई गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के मालवा से लेकर मथुरा और द्वारका तक के यात्रा मार्ग में आने वाले 3,200 मंदिरों को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीर की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। मध्य प्रदेश में धार के पास समझेरा स्थान है, जहाँ वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास जानापा अपना वो स्थान है, जहाँ पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। कौन नहीं जानता उज्जैन स्थित सांदीपनी आश्रम के बारे में, जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए कृष्ण आए थे। लेकिन ये तो सिर्फ एक स्थान है, जबकि श्री कृष्ण ने मध्य प्रदेश के उज्जैन को केंद्र में रखकर 3 प्रमुख यात्राएं मालवा क्षेत्र में की थीं, जिनमें पहली विद्यार्जन के लिए, दूसरी मित्र विंदा से विवाह और तीसरी यात्रा रुक्मिणी से विवाह के लिए की। इस दौरान मथुरा, उज्जैन, द्वारका, ब्रजमंडल, मालवा, निमाड़, गुजरात, राजस्थान, विदर्भ, महाराष्ट्र की भी यात्राएं रहीं, लेकिन यात्राओं का प्रमुख केंद्र उज्जैन ही रहा। भगवान कृष्ण भी जहाँ जहाँ से मध्य प्रदेश में आए, जिस जिस स्थान पर उनके चरण में पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम, उज्जैन से नारायणा गांव, उज्जैन से भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव और उज्जैन से अमझेरा की यात्राएं भी इसमें शामिल रहीं। भगवान श्री कृष्ण के इन यात्रा स्थलों को विकसित किए जाने के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने प्रदेश में स्थित 3,200 से ज्यादा कृष्ण मंदिरों के रख रखाव, मंदिरों के विकास, प्रभु को 64 कलाओं और 16 विद्याओं का ज्ञान देने वाले सांदीपनी गुरुकुल की स्थापना, महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान के अलावा गौ संवर्धन एवं संरक्षण को शामिल किया। खास बात यह है कि प्रदेश सरकार ने अपनी प्राचीन धार्मिक विरासत को सहेजने और समेटने के लिए बनाई गई श्री कृष्ण पाथेय योजना के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है, ताकि प्रभु की लीलाओं को जानने, समझने और सहेजने का सपना साकार हो सके।
और अब आइए आपको मध्य प्रदेश के उन पवित्र स्थानों पर लिए चलते हैं जहां श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के लिए चुना था। इनमें सबसे पहले जिक्र आता है महर्षि सांदीपनी आश्रम का। हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण पाथेय की शुरुआत का केंद्र यहीं से था। उज्जैन का महर्षि सांदीपनी आश्रम वो तपोभूमि और शिक्षा स्थली है जहां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण ने यहां केवल 64 दिनों में 64 विभिन्न कलाओं का ज्ञान अर्जित किया। श्री कृष्ण भगवान ने बाल अवस्था में जो है उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में अपने भाई बलराम और दोस्त सुदामा के साथ शिक्षा अर्जित की थी। या आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त जो है बाल अवस्था में जो है भगवान कृष्ण पढ़ाई की मुद्रा में बैठे हुए हैं और साथ में जो है बलराम भी है और सुदामा भी हैं और तीनों जो है पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे आपको। इसी के साथ जो है यहाँ मेरे इधर देखेंगे तो ये गुरु सांदीपनी का स्थान है। यहाँ पर गुरु सांदीपनी जी ने जो है बलराम कृष्ण को शिक्षा कराई थी, क्योंकि 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान भगवान कृष्ण ने यहाँ पर लिया था और 5000 साल से अधिक पुराना ये मंदिर बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण बाल अवस्था में आए थे और लकड़ी बिनने के लिए उज्जैन से 45 किलोमीटर दूर महितपुर है, उसके पास में एक गाँव है नारायणा, वहाँ पर लकड़ी बिनने जाते थे और उसी जगह पर जो है उनके दोस्त सुदामा और कृष्ण का एक मंदिर स्थापित है। यहाँ पर आज भी जो कई लोग जो है भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और उनके प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो लकड़ी की जो गठाने थी वो आज एक विशाल पेड़ के रूप में वहाँ पर स्थापित है। और साथ ही जो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर 64 दिन रुककर जो है अपनी शिक्षा अर्जित की थी और इसको इसलिए यहाँ पर जो है श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन से करीब 100 किलोमीटर दूर इंदौर जिले में है जानापाव कुटी, वो स्थान जहाँ भगवान परशुराम का जन्म माना जाता है। इस स्थान पर भी श्री कृष्ण आए थे। ग्रंथों में उल्लेख है कि जब प्रभु श्री कृष्ण भगवान परशुराम से आशीर्वाद लेने के लिए जानापाव कुटी पहुँचे तो उन्हें देखते ही एहसास हो गया कि वे उन्हीं के अंश हैं। जिसके बाद महादेव से मिला सुदर्शन चक्र उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट किया। भगवान परशुराम जिन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को माना जाता है और हम जानापाव में मौजूद हैं और जानापाव भगवान परशुराम की जन्म स्थली है। पुराणों में ऐसी मान्यता है द्वापर युग में भगवान कृष्ण उज्जैन से शिक्षा लेने के बाद में भगवान परशुराम को ढूंढते हुए जानापाव पहुँचे और जब जानापाव यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने भगवान परशुराम से मुलाकात की और जब परशुराम ने भगवान कृष्ण को देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान कृष्ण जो हैं वो उन्हीं के अंश हैं और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था और ये वही स्थल है जानापाव जहाँ पर द्वापर युग में भगवान कृष्ण को भगवान परशुराम ने अपना सुदर्शन चक्र दिया था और इसके बाद भगवान कृष्ण ने सृष्टि के निर्माण के लिए असुरों का वध करने के लिए 10 बार सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था। त्रेता युग के आरंभ में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम माने जाते हैं और उसी का जो समापन है त्रेता युग का उसमें वो भगवान राम के स्वरूप में थे। भगवान शिव के हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की थी, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्होंने सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम को दिया था और द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण जानापाव पहुँचते हैं तो यहीं पर वो सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने कृष्ण भगवान को दिया था। मध्य प्रदेश में एक और स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई, ये स्थान है धार में, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया। यहाँ अब एक मंदिर भी है जो अमका झमका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्वापरकालीन मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये रुक्मिणी की कुल देवी का मंदिर है जिसे गीता में कुंदनपुर बताया गया, लेकिन अब ये स्थान अमझेरा के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद घोषणा की थी कि जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री कृष्ण के कदम पड़े हैं वहाँ वहाँ के तीर्थ स्थानों का विकास किया जाएगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसी के तहत धार का ग्राम अमझेरा भी है जहाँ पर अमका झमका माता मंदिर है और यहाँ जो है ऐसा बताया जाता है कि
श्री कृष्ण ने यहाँ से रुक्मणी का हरण किया था और उनके रथ के पहियों के निशान भी आज मंदिर के पीछे मौजूद हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है। साथ ही भगवत गीता में भी इस चीज़ का उल्लेख है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ से रुक्मणी जी का हरण किया था। अमका-झमका माता मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात सहित मालवा, निमाड़ के लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ जो है श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती है और इस कारण जो है यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। अब जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ के जीर्णोद्धार का फैसला किया है, तब से लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं। अब धार का भी CM दौरा करने वाले हैं और 25 अगस्त के दिन अमका-झमका मंदिर CM डॉक्टर मोहन यादव आने वाले हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह बना हुआ है और लोगों को अपेक्षा है कि अब अमझेरा के साथ ही अमका-झमका माता मंदिर का भी जीर्णोद्धार होगा। तो हमारी इस रिपोर्ट के जरिए उन स्थानों के दर्शन आपने किए जहां श्री कृष्ण की लीलाएं हुई। जल्द ही अब ये धार्मिक महत्व वाले स्थान श्री कृष्ण पाथेय के माध्यम से विकसित किए जाएंगे। पुराणों में भी इस बात का साफ उल्लेख है कि उज्जैन में शिक्षा लेने के लिए आए भगवान श्री कृष्ण ने कैसे यहाँ के कई क्षेत्रों में अपनी लीलाएं की, जिनके प्रमाण आज भी हर ओर नजर आती हैं। विक्रम विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग में कार्यरत रमन सोलंकी भी श्री कृष्ण पाथे पर विस्तार से प्रकाश डाल रही हैं। उज्जैन का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण के कारण ही जाता है। योगिराज कृष्ण जब बाल्यावस्था में विद्या अध्ययन के लिए परिवार में विचार विमर्श हुआ होगा तो गोकुल में जन्मे कृष्ण मथुरा से होते हुए उज्जैन सांदीपनी जी के आश्रम में पधारे। यह प्रथम आगमन था जब कृष्ण उज्जैन आए। ये भगवान मित्रवंता की शादी करने के लिए उज्जैन आए, ये दृश्य नंबर दो हुआ। जब उज्जैन से वह जाने लगे तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि मैं अपनी गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। किंतु माता का स्वभाव माता का रहता है, वह कृष्ण को एक तरफ ले जाके बोलने लगी कि मेरा पुत्र मेरे से बिछुड़ गया है, मुझे अगर कुछ देना चाहते हो गुरु को तो मेरा पुत्र लाकर मुझे दे दो। कृष्ण जब उनके बच्चे को लेने के लिए गए यहाँ से तो वो जो कि उज्जैन से दक्षिण की ओर उन्होंने प्रवेश किया, वहां पर वो जो जहाँ से चंबल नदी निकलती है जाना पावा गए, यानी कि परशुराम जी के पिताजी जमुना जी से मिले और वहां उन्होंने उनको सूरदर्शन भेंट किया और वहां का मार्ग बताया कि आप वहां जाओ, वहां उनका बच्चा मिलेगा, यानी कि शंख राक्षस के पास उनका बच्चा था। वो गए और सूरदर्शन चक्र लेकर उसको परास्त किया, वो शरणम गच्छामी हुआ और गुजरात का वह प्रभास वाला क्षेत्र जहां पर भेंट द्वारका है वहां से उनके बच्चे को लेकर आए। वह राक्षस जो शंख राक्षस था उसने पांचजन्य भेंट किया। यह दूसरा दृश्य रहा अविद्या अध्ययन मित्र वृंदा। और हम जब दृश्य देखते हैं कि रुक्मणी जो हरण हुआ है वह भी मालवा परिक्षेत्र का जो धारा नगरी है, धारा नगरी भी राजा भोज की राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन अपने आप में राजधानी था सांस्कृतिक दृष्टि से और धारा नदी सामरिक दृष्टि से, तो धारा नगरी के पास में ही अमझेरा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां पर रुक्मणी को हरण करके अमका-झमका माता मंदिर में वो बैठी हुई थी मैया, और रुक्मणी जी को लेकर जब भगवान कृष्ण लेकर अपने रथ पर निकलते हैं तो वहां के पहाड़ों पर रथ फंस जाता है, तो रथ के पहिए आज भी बने हुए हैं। यह दृश्य हमें 5000 वर्ष बाद भी अमका-झमका माता मंदिर जो है कि अमझेरा में वहां पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से भगवान का आगमन हुआ तो जन्माष्टमी के दौरान ये सब कार्यक्रम होने लगे। एक विशाल परिक्षेत्र मालवा का जो महाकाल वन परिक्षेत्र है, इसमें हमें भगवान कृष्ण की पाथेय हमें दिखाई देते हैं।